नहीं कह रहा, वो कुछ नहीं कह रहा। Hi guys, this is Abhinav Krishan, aka Dog Daddy over on TUC. How are you all? So, आज हम बात करेंगे one of the oldest breed of dog on this planet that is closely related to the wolf और उसका नाम है चाओ चाओ। चाओ चाओ एक ब्रीड है जो 2006 BC से ओरिजिनेट होती है चाइना में, जिसके ऊपर बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज है। कोई कहता है कि चाओ चाओ की जो ओरिजिनेशन है वो टिबेटन मास्टिफ और सैमुअल के साथ क्रॉस करके की गई थी हान डायनेस्टी के टाइम पे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो एल्क हाउंड था उसको भी क्रॉस किया गया है चाओ चाओ की ब्रीडिंग के लिए चाइनीज डॉग्स के साथ। लेकिन समहाउ आई बिलीव द मजल है उसका, जो एग्रेशन है उसका, जो मास्टिफ साइज है एंड द मजल दे गॉड, वो थोड़ा स्पिट्स फैमिली से अलग है। दो वो स्पिट्स फैमिली का डॉग है, समहाउ इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। सो चाओ चाओ एक ऐसी ब्रीड है जो आप घर के आसपास देखते हैं, जिसे अक्सर शेर की तरह, भालू की तरह देखा जाता है। लेकिन चाओ चाओ इज़ ऑलवेज अ डॉग विद अ ब्लू और अ ब्लैक टंग। ये कई जगह बैंड है US में, और अगर आपके पास चाओ चाओ है इन US और इन यूरोप, सो आपको इंश्योरेंस कंपनीज जरूरी नहीं है इंश्योरेंस देंगी। उन्होंने बैन किया हुआ उन घरों को जिनके पास चाओ चाओ है। सो चाओ चाओ बहुत ही डोसाइल ब्रीड होता है, बहुत ही अच्छा ब्रीड होता है। लेकिन उसकी जो ओरिजिनेशन है, उस टाइम चाओ चाओ को रनिंग के लिए यूज़ किया जाता था, हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, गार्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। तो काफ़ी चीज़ों के लिए लोग यूज़ करते थे चाओ चाओ को। लेकिन हम लोगों ने चाओ चाओ को एक फैंसी ब्रीड के तौर पे इवॉल्व किया है। सो चाओ चाओ आपके घर आराम से रह सकता है लेस वर्कआउट के साथ, लेकिन काफ़ी क्रैंकी होता है वो। सो उसका जो क्रैंकीनेस होता है उसको कम करने के लिए यू टू वर्कआउट योर चाओ चाओ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, अगर आपके घर में AC नहीं है या आप किसी कोल्ड वेदर प्लेस में नहीं रहते, तो डोंट एवर बाय अ चाओ चाओ, क्योंकि चाओ चाओज आर नॉट गुड फॉर योर नॉर्मल हाउस। इट इज़ मेंट फॉर कोल्ड टेम्परेचर्स। आउटडोर डॉग होता है, आउटरेजियस होता है। चाओ चाओ काफ़ी ज़्यादा टेरिटोरियल होता है, उसके कम हेल्थ इश्यूज़ हैं कंपेरेटिवली अदर डॉग्स के। उसको सिर्फ एल्बो और हिप डिस्लेसिया ही होते हैं, लेकिन ड्यू टू रिंकल्स के इन द मोर वी प्रोड्यूस, हमने शार्पी को भी मिक्स करना स्टार्ट कर दिया चाओ चाओ के साथ, ताकि उसके रिंकल्स थोड़े और बढ़े। सो कहीं ना कहीं और हेल्थ इश्यूज़ आने लग गए हैं। बट ओवरऑल चाओ चाओ इज़ अ वेरी फ्रेंडली एंड लविंग ब्रीड। चाओ चाओ का सबसे बड़ा फीचर जो है ये है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। सो वी हैव टू मेक श्योर वेन एवर यू गेट अ चाओ चाओ, आपको हमेशा अपने घर में ध्यान रखना है कि वो बच्चे उसे तंग ना करें, बड़े उसको तंग ना करें। काफ़ी अलूफ ब्रीड होती है, लेकिन ओनर ओरिएंटेड होती है। सो थैंक यू, दिस इज़ अभिनव कृष्ण signing out from TUC. Bye-bye.